शहर के गांधी कॉलोनी में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार हुआ हादसे का शिकार लाया गया जिला अस्पताल। चूरू शहर के गांधी कॉलोनी में शनिवार शाम चाइनीज मांझे की चपेट में आकर पूर्णिया कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में उसे परिजन राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल का इलाज किया गया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्णिया कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय योगेश सोनी अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी गांधी कॉलोनी मनसा पब्लिक स्कूल के पास प्लास्टिक धागे की चपेट में आ गए। प्लास्टिक धागे से उनकी ठुड्डी जख्मी हो गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। घायल 60 वर्षीय योगेश सोनी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में उनका इलाज किया गया। ये मेरे पिताजी हैं और ये घर से निकले थे, जब थोड़ी सी दूरी जाने पर चाइनीज मांझे के द्वारा इनके आगे आया और इन्होंने बचाव में जैसे अपना हाथ दिया, तो इनके हाथ में आया 6 जिसका शिकट है। अगर ये हाथ ही डालते तो यहाँ से निशान पड़ सकते थे या कर सकते।